भी अपने लोगों के हत्या पर चुप्पी क्यों जवाब दो, जवाब दो, हत्यारों को संरक्षण क्यों जवाब दो, जवाब दो। तेजस्वी जी की सरकार हो, तेजस्वी यादव को घर से निकलना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी उसमें मानवता बचा हुआ है तो उसे सोचना होगा। देवराज यादव के हत्यारे को राजनीतिक प्रशासनिक संरक्षण क्यों जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जिस यादव और मुसलमान के लोगों ने तुम्हें एक तरफा वोट दे करके 80 सीट जिताने का काम किया, उसी समाज के लोग आज वैशाली में मारे जा रहे हैं। देखिए, पिछले 5 नवंबर को पालीगंज अनुमंडल के अंतर्गत कनपा थाना के गेट पे बालू कारोबारी थे और बहुत ही सीधे और शालीन व्यक्ति थे देवराज यादव। आज कहने को राज्य में यादवों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, लेकिन उस व्यक्ति को थाने के गेट पे मार दिया गया जिस व्यक्ति के ऊपर आज तक 107 का भी कंप्लेन नहीं था। और ये सरकार क्या कर रही है, थाने के गेट पे एक आम व्यक्ति की, एक कारोबारी की हत्या हो जाती है और डीएसपी के संरक्षण में यह घटना हुई है। यह हत्या डीएसपी के संरक्षण में यह हत्या हुई है और घटना 5 नवंबर की है। 1 महीना होने को जा रहा है, आज तक न कोई गिरफ्तारी हुई है और घर परिवार के लोग डरे हुए हैं। इसके जो पार्टनर थे वो सारे लोग इस साजिश में शामिल है और प्रशासन की मिलीभगत है। और सरकार और प्रशासन का संरक्षण है अपराधियों का, चाहे वो नीतीश कुमार जी की सरकार हो, तेजस्वी जी की सरकार हो। तेजस्वी यादव को घर से निकलना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी उसमें मानवता बचा हुआ है तो उसे सोचना होगा। जिस यादव और मुसलमान के लोगों ने तुम्हें एक तरफा वोट दे करके 80 सीट जिताने का काम किया, उसी समाज के लोग आज वैशाली में मारे जा रहे हैं, आज पटना में मारे जा रहे हैं, गया में मारे जा रहे हैं और कोई देखने तक के लिए नहीं है। और चेतावनी देना चाहते हैं, आपके लोगों का मनोबल जो टूटेगा वो फिर कभी आप लौट के नहीं आइएगा। लालू जी का राज्य नहीं है अब और लालू जी का पार्टी नहीं है। जाइए, आपको जो वोट दिया है वो आज मारा जा रहा है, पीड़ित है, उसके घर परिवार के लोग भयभीत है, उसको सरकारी सुरक्षा मुहैया कराइए और गिरफ्तारी हो, जो अपराधी है उसकी गिरफ्तारी हो, चाहे कोई भी हो। आगे पालीगंज में बड़ा सभा होगा और गिरफ्तारी नहीं होगी और पालीगंज डीएसपी की बर्खास्तगी नहीं होगी तो वहां से हजारों की संख्या में पटना कूच किया जाएगा, पदयात्रा किया जाएगा और अनवरत चरणबद्ध आंदोलन पटना से पालीगंज तक चलता रहेगा। देना होगा।